हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा सी प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग एक स्पेशल प्रोग्राम देखेंगे, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो पैटर्न जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप एक फॉर लूप से कैसे डिस्प्ले करेंगे। दो फॉर लूप से तो आप इसको इजिली बना सकते हैं, पर इसको केवल एक फॉर लूप का यूज करके इस पैटर्न को कैसे डिस्प्ले करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो प्लेसमेंट एग्जाम या फिर प्लेसमेंट के इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये जो है वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हाउ टू डिस्प्ले फॉलोइंग पैटर्न यूजिंग सिंगल फॉर लूप। तो चलिए इसको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और मैं इसका एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, जिसमें केवल मैं केवल और केवल एक फॉर लूप यूज करूंगा और इस तरह का जो पैटर्न है उसको डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ आई, और उसके बाद मैं फोर लूप में क्या करता हूँ, आई इक्वल टू जीरो और आई लेस देन 15 और आई प्लस प्लस। आप सोच रहे होंगे कि मैं लेस देन 15 ही क्यों, जीरो से लेके 15 ही क्यों ले रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं इस पांच लाइन के स्टार में अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल हमारे पास 15 स्टार है। मतलब पहला लाइन में एक स्टार, फिर दो, तो एक दो तीन और तीन छः, छः और चार दस और पाँच पंद्रह, तो टोटल हमारे पास जो स्टार है वो 15 स्टार्स हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप जो है 15 तक चला रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर कंडीशन लिख रहा हूँ कि आई इक्वल टू 1 होगा या फिर i इक्वल टू 3 होगा या फिर i इक्वल टू 6 होगा या फिर i इक्वल टू 10 होगा। ये मैं आपको समझाऊंगा कि ये मैं क्यों लिख रहा हूं। तो i का वैल्यूज अगर ये 1, 3, 6 या 10 होगा तो हम क्या करेंगे, स्टार तो प्रिंट करेंगे पर वहां हम पहले न्यू लाइन करेंगे और तब जाके स्टार प्रिंट करेंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको एग्जाम्पल के तो एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद अगर ये वैल्यूज नहीं है तो else पार्ट में मैं क्या करूंगा, केवल स्टार प्रिंट करूंगा। मतलब एक तरह से क्या है, अगर ट्रू आया, अगर इस कंडीशन ट्रू होता है तो हम न्यू लाइन के साथ स्टार प्रिंट करेंगे, और अगर फॉल्स होता है तो केवल स्टार प्रिंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये कैसे काम करेगा। तो मैं यहाँ पहले कमेंट ले लेता हूं। तो सबसे पहले मैं आई इक्वल टू जीरो देखता हूं, तो आई इक्वल टू जीरो इस कंडीशन में नहीं है तो इसका मतलब केवल स्टार प्रिंट करेगा, तो मैं यहां पर लिखता हूं केवल स्टार। ठीक है, उसके बाद स्टार लिखता हूं। उसके बाद क्या है, आई इक्वल टू 1 पे यहां पर क्या लिखा हुआ है, न्यू लाइन के साथ स्टार होगा, तो पहले न्यू लाइन आएगा और फिर स्टार प्रिंट होगा। फिर यहां पर देख रहे हैं आई इक्वल टू 2 के लिए, 2 के लिए नॉर्मल स्टार प्रिंट होगा, तो यहां पर 2 के लिए हम क्या डाल रहे हैं, नॉर्मल स्टार दे रहे हैं। उसके बाद i इक्वल टू 3 के लिए न्यू लाइन के साथ स्टार प्रिंट होगा, तो मैं न्यू लाइन में आ जा रहा हूं और फिर स्टार डिस्प्ले कर रहा हूं। फिर 4, 5 के लिए जो है, फिर यहां पर देखिए 4 और 5 के लिए फॉल्स होगा तो यहां पर केवल स्टार प्रिंट होगा, तो 4 और 5 मतलब दो स्टार मैं दे देता हूं। उसके बाद जैसे ही वैल्यू हमारी 6 होगी, जैसे ही i का वैल्यू जो है वो 6 होगा, वैसे ही ये न्यू लाइन के साथ स्टार डिस्प्ले करेगा, तो मैं न्यू लाइन देता हूँ और फिर स्टार लिखता हूँ। फिर 6 के बाद 7, 8, 9, इन तीनों के लिए केवल स्टार प्रिंट होगा, तो 7, 8, 9, तो इसका मतलब 3 स्टार मुझे देना पड़ेगा। उसके बाद i इक्वल टू 10 आएगा हमारा वैल्यू, तो 10 के लिए न्यू लाइन के साथ स्टार प्रिंट होगा, तो मैं फिर से एंटर करके स्टार लिखता हूं। और उसके बाद i इक्वल टू 10 के बाद चूंकि कोई कंडीशन नहीं है तो 11, 12, 13, 14 इन सब के लिए केवल स्टार प्रिंट होगा, तो मैं यहां पर लिखता हूं 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से स्टार जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हमारा जो है स्टार डिस्प्ले होगा। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करता हूँ और फिर एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मैंने कंपाइल एंड रन किया तो आप देख रहे हैं कि रिजल्ट आ चुका है, और बिल्कुल जो रिजल्ट हमें चाहिए था बिल्कुल वही स्क्रीन पे नजर आ रहा है या फिर वही आउटपुट पे आ रहा है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे यहाँ पर केवल और केवल एक फॉर लूप का यूज करके आपने जो है इस पैटर्न को डिस्प्ले किया। तो ये क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में काफी पूछे जाते हैं, और अगर इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले से नहीं किया है तो वहां पर आपको आंसर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि इस तरह के क्वेश्चन पहले से करके जाएं, जिससे थोड़ा सा आइडिया हो, अगर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आइडिया हो कि इसे कैसे करना है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।